हाँ चेला जी, हाँ आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के दौरे पर हैं। दूसरी दफे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार दौरे पर आए हैं और इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गया में हैं। दरअसल मोक्ष नगरी गयाजी में पितृपक्ष मेले का आयोजन हुआ है। जगह जगह से जो श्रद्धालु हैं वो अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंडदान करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ओर से कथा का भी आयोजन किया जाना था, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो बनारस से सड़क मार्ग से गया पहुंच चुके हैं और खबर यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यहाँ पर जो है वो कथा नहीं होगा, ना ही दरबार लगेगा। देखिए, एक निजी होटल में जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रह रहे हैं, जहां पर अपने 200 शिष्यों के साथ वो चर्चा करेंगे। पितृपक्ष मेले के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो गयाजी पहुंचे हैं और गयाजी में उत्साह था, पहले से इंतजार था कि इस बार बागेश्वर धाम वाले बाबा आएंगे। अब तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये तस्वीरें गयाजी की तस्वीर है जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हैं। देखिए, रात के 12 बजे के करीब जो है वो गया के बोध गया पहुंचे और एक होटल में 2 दिनों तक वो प्रवास करेंगे। देखिए, साथ ही अपने 200 अनुयायियों के साथ वो चर्चा करेंगे और उन्हें पिंडदान अपने अधीनस्थ में कराएंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा का एक झलक पाने के लिए देर रात जो है वो लोगों का हुजूम होटल के बाहर देखने को मिला और ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए, हालांकि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोध गया में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कथा कहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश 27 सितंबर की देर रात जो है वो बोध गया पहुंचे और मात्र 2 दिनों तक ही ये उनका प्रवास होगा। इस दौरान विष्णुपद मंदिर जाकर वो पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा का कहना है कि पितृपक्ष मेला चल रहा है और ऐसे में प्रशासन के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं मिली, इस कारण उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो होटल में 1 या 2 दिन रहेंगे, लेकिन वो फिर आएंगे और गयाजी में दिव्य दरबार लगाएंगे। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो गयाजी पहुंचे हैं और गयाजी में हमारे सहयोगी आशीष उस वक्त मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर। पहले आप पूरा विजुअल देखिए, गया जी पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, संन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की। हमारे पीछे वाले भी बैठ जाओ, पीछे वाले, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, बैठ तो जाओ। तुम्हारा कार्य इतने दिखा जैसे हम पाकिस्तान में खड़े हों। बैठ जाओ। सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, श्री गौ माता की, बिहार के वासियों की, बिहार के पागलों की, संबोधि स्थान की, श्री सीताराम भगवान की। आप लोग एक तरफ, इन लोगों को दिखेगा नहीं ना, आप लोग एक तरफ प्लीज। सबको सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा। आप लोग कैसे हो? अच्छे अच्छे हो? सबका स्वास्थ्य ठीक है? अच्छा, हम जो है ज्ञान की भूमि, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आ गए, 1-2 दिन तो हम हैं, लेकिन अभी हमें पूजा पाठ में भी। भैया यार, जो लाइट कैमरा की तेज ना कर, हमारी आंखें फूट जाएं। कैमरा की लाइट कम कर ले। तो 1-2 दिन तो हम हैं, इनको हम भभूति दे रहे हैं। रुक जाओ, नीचे कर लो छोड़। तो हम 1-2 दिन तो गयाजी में हैं, लेकिन बाहर से परिवार आया हुआ है, 150-200 लोग आए हैं, उनके साथ में चर्चा करके यहाँ कोई कथा नहीं है, न कोई प्रवचन है, न दरबार है, क्योंकि प्रशासन को बड़ी दिक्कत हो जाती है। पितृपक्ष का मेला चल रहा और हम नहीं चाहते किसी को कष्ट हो गए, इसलिए बिना पितृपक्ष के मेला में हम गया की भूमि में, जहाँ विष्णुपाद भगवान है, जहाँ हमारे बिहार के लोग विराजमान है। भैया सच बता दें, हम बिहार आते हैं तो हमारे दिल में बहार आ जाती है।
हम बिहार आते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता, और रउआ हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि हम बिहार की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी किए, न्यूजीलैंड में भी किए। हम जहां जाते वहां कोई चर्चा करें, पर आप लोगों के प्रेम की, उत्साह की, सनातन एकता की चर्चा जरूर करते हैं। सब लोग अपना जय श्री राम, सब लोग अपना ध्यान रखो। बागेश्वर धाम आए हो? अच्छा, तुम नहीं आए तो कल वेस्टर्न भी चाहोगे क्या बेटा? अब बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? एक तो यहाँ इतनी भीड़ हो गई, बैठ जाओ, काले काले बैठो बैठो। तुम फोटो खिंचाने के चक्कर में दांत निकाल रहे, बैठो बैठो। साहब तुम खड़े रहो, आप खड़े रहो, इन लोगों ने बैठा दीजिए, काले काले यहाँ खराब। और चलिए सीताराम, अभी भारत में बहुत विचित्र स्थिति है, तुम्हें पता है? तुमने तिरुपति की घटना सुनी? ठटरी के बड़ों ने, नक्कटाहरों ने वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए भगवान के प्रसाद में भी मछली का तेल मिला दिया। हमसे नहीं रहा गया, अब हमने प्रण लिया, हमसे बड़े लोग तो मिल लेते हैं, पुलिस लगा के VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं। अब हमने एक नया प्रण लिया, पूछो क्या, जोर से पूछो तब बताएं। अब हम भारत के बिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलने के लिए गांव गांव जाकर के पदयात्रा करेंगे, क्योंकि चार्टर हवाई जहाज या फॉर्चूनर से सनातन धर्म नहीं बचना। भारत में सबसे बड़ा जहर है जात पात का, ऊंच नीच का, छुआछूत का। और तुम कब तक दूसरों के सहारे जियोगे, कब तक तुम शांतिवादी बने रहोगे? अब भारत में शांति की जगह सनातन के क्रांति की आवश्यकता है। उसके लिए भारत के लोगों, हमने प्रण लिया है, हम भारत में पदयात्रा करके सनातनी हिंदुओं को एक करके धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। और पहली पदयात्रा परिणाम चाहे जो, देखो ना तो हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें वोट चाहिए, हमें बाबा बनना नहीं है, दाढ़ी हम कटा लेते हैं, तो बाबा हमें बनना नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदुओं को और हिंदू बहन बेटियों पर कोई अत्याचार ना कर पाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, रामचरित मानस को जलाया ना जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, पालघर जैसे संतों को मारा ना जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ, वो भारत में ना हो गए। उसके लिए हम जात पात को, छुआछूत को एक मिटाने के लिए, ऊंच नीच को हटाने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 107 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की कर रहे हैं। हमको आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा सफल हो गए, और आप लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम लोगों की अलाय बलाय भग जाए जो आशीर्वाद है, आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए जो आशीर्वाद है। अब सब लोग अपना ध्यान रखियो, हम दिन भर के चले आए, काशी से चले आए, आगे को लोगों गाड़ी में कमर टूट गई, तो लंबे चले आए, बहुत दूर से थके आए, हमें भोजन भी करना है, सुबह से अनुष्ठान प्रारंभ होना है। हाँ माता, कहा प्राण खा रही थे इन्हें, हम कहा करें, अन्ना बैठ नहीं बैठे तो ठकली के बड़े कहें मूड में मार दे काम माता। हाँ बहन, तुम बहन नगर लगा दो सुबह में, अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। रहे सब लोग यही कहें कि बाहर के हो, गया भी के हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ सीताराम, जय हो माई हरो, जय बागेश्वर धाम, बढ़िया हो बिहार के लाला। हम भी बिहारी है भैया, सब लोग प्रसन्न रहो। हम अपने तिवारी जी के आए, संबोधी वाले कहाँ गए तिवारी, इनके तो जलवा है, हम ना मिले तो तुम इनके प्राण खा सकते। जी को प्रणाम करो, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी आपको यहाँ पैसा, शुल्क, रसीद कुछ भी नहीं देना है, ना किसी भी प्रकार की दक्षिणा है, और ये सबको जानकारी पहुँचा देना कि महाराज जी 2-3 दिन के अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं, तो निकल पाना थोड़ा कठिन होगा। धाम पर आप सबको बालाजी के चरणों में
हाँ ये भगवती का ही मंगेश्वरी भगवती का ही चित्र ले लेना जी, कोई हाँ चेला जी।